अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं पिंकी लाहौर वाली खोए वाली मलाई वाली तिला बिल्कुल फ्री अपनी भैन सलेंटी दे नाल। नाजरीन अज मैं पहलवाना दे उस खाड़े दे विच मौजूद हाँ जिथे वड्डे वड्डे पहलवान ने जोर ला के ते इस मिट्टी दे विच अपना पसीना रोड़े है। नाजरीन इस खाड़े दे विच गुंगा पहलवान अच्छा पहलवान घोल करते रहे ने। नाजरीन आ जिहड़ा खाड़ा हैगा ए तुसी मेरे पिछे वेख रहे हो, ए बाल के वेखो छलेडे छलेडे होंदे ने कि पठे नहीं पठे बाजी पठे पठे ते रात दे मर जाणगे ठंड ना मेरे खिचे गए ने। नाजरीन आ जिहड़े पठे घोल कर रहे ने इन्हां दे जिहड़े खलीफा ने जिहड़े सारे पहलवानां नूं दाव विच दे विच रखदे ने उहनां दा नां जे आदल भट्ट ते इह पठियां दे जिहड़े उस्ताद हैगे ने उहनां नूं कहिंदे ने उस्ताद अमानत अली जिहड़े अपने वक्त दे मशहूर पहलवान ने। अज असीं चंद उहनां नाल गल्लां करांगे, उहनां को पुछांगे कि अपने पठियां नूं किवें दाव पेच सिखांदे ने। आओ मेरे नाल। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। पहलवान जी मैं उथो वेखिया जेड़ा बच्चा तुहाडे ने दा मारे इथो धौन तो फड़ के इथो घुमा के करके सिटे है इस दा दा की नाम कला जंग मारे है। नाजरीन ए जेड़ा इथो दी गिच्ची नप के इथो ए करके थले सुटे है जिवे तुसी वेखदे ने खुड दे विचों ए चूहा बाहर नूं खिच्ची दा ए खिच के सुटे है इहनूं कहिंदे ने ढाक मारी है। पहलवाना दे नाल लड़दे ने। मेरी भैन 6 साल तो बीमारियां नाल लड़न डई है। 3 महीने मैं किराने नाल लड़ी क्योंकि मैं मार देना सी। 4 महीने सब्जियां नाल लड़ी आ उहदे मैं पैसे देने सी। बाजी कोई कितने मेरी इज्जत ना कितने रहण दे विच बच्चियां नूं जिहड़े गुर सिखा रहे हो जिहड़े दा सिखा रहे हो असीं अज इह सारे दा पाक टीवी डॉट टीवी वेखण वालिआं नूं वी सिखावांगे। तुसीं हांडी पकाउणी सिखो, अंडा फ्राई सिखो, जाम सिखो, इह किहड़ा कम्म सिखण लगे हो? अल्लाह खैर ही करे, उह ते पठे ने ते आ ते मर जाणी पठिआं दी पंड जवान वेख मर जाले जिडा मूह सुत जवान वेख मैनूं याद आया हुक्मां दे गोले तो पहलवान जी तुसीं जिहड़ी ताश दे विच इटनी हुंदी ऐ मर जाने ने घर सजा ली कहिंदा मैं मकान बनाउण लगा पहलवानी दी खिदमत कर रहे हो? मैनूं 55 साल हो चले जी। 55 साल तो तुसी खाड़े दे विच पहलवाना दी खिदमत कर रहे हो। तुसी आउण वाले जिहड़े जूनियर पहलवान ने जिहड़े तुहाडे पठे ने उन्हां नूं तुसी इह दाव पेच सारे सिखा रहे हो। ते मैं क्या पहलवान जी इह अपनी मदद आप दे तहत खाड़ा आबाद कीता है कि तुहानूं इहदा कोई फंड भी गौरमेंट दिंदी है? कोई फंड नहीं दिंदी गौरमेंट, अपने आप अपने आप ही सवेरे बदाम करके रगड़ के घोटा ला के बदाम अंदर सुटे होन, कशकाशा सुटिया होन, चारो मगज अंदर सुटे होन, यानी के पहलवान की माशाला खुराक बड़ी होंदी है। इस महंगाई के दौर पहलवान अपने आप नूं चलावे कि अपना घर चलावे, ये खुराक पहलवाना दी पूरी हो जाती कि पूरी? आजल बाटे सुनता है
उस्ताद भी है, वो इन्हों सारा कुछ बदाम शाम लिया के दिता है, माड़े बंदे पीते पुंदे ने। पहलवान जी मैं तुहाडे कोलो इजाजत पहलो लवांगी, जे तुसी कहो ते मेरी भैण दी भी जरा कुश्ती करा दी। एडी कुश्ती ते हो सकदी है, क्योंकि साडे कोल ते डैक नहीं हैगा। मैं तेरा तारफ कराया कि मेरी छोटी भैन है सलंटी, ते मार जानी है, तू अगो मर्द बनन तुर पई है। नी बाजी मैं भी आके इत्थे आदर पहल वाल करो, आके मैं थोड़ा जे दा पे सिखे होनी है कि छकांगी जिवें गरीब आवाम नु महंगाई ने छटिया पिया। नाजरीन ओ दा है जेड़ा सिर्फ उस्ताद अमानती कोल है, होर किसे पहलवान कोल कोई नहीं। ए फड़ी नहीं मार जानगे, आ भी जरा पहलवाना जरा नी बाजी तू मेनू मार ले जरा, उस्ताद दी इजाजत है। लो उस्ताद दी इजाजत दे नाल काम नी बाजी। अज तुसी पिंकी लाहौर वाली खोए वाली मलाई वाली भी है, कुश्ती भी देख लोगे, कोई गल नहीं, कपड़े खराब होंदे ने ते हो जान। पहलवाना तेरी मेहरबानी है, जरा पिंकी नु ध्यान ना सुटी, क्योंकि अगर मेरी लत बाह टुट गई ना ते अगो 6-7 प्रोग्राम रह जाने। अल्लाह ना करे नी बाजी। लो जी उस्ताद जी दस्तान बाजी इजाजत है। इजाजत है नी बाजी, इधर आ नी चक्कर की अल्लाह खैर कर जे तुसी इस खाड़े दे विच इस पहलवान दे सामने खलोते होंदे ते तुहानू लग पता जांदा, यकीन करो हाथ ही मड़ोड़ के रख दित्ता सी। ये हाथ फड़न वाले नहीं हैगे, चूड़ियां वाले हैगे ने पहलवान, जरा आराम नाल हाथ पाई आ जा, जरा एक मिनट खलो तो सही। नहीं बाजी एक मिनट खलो नहीं, इनू कादी काल मार जाना, नियोले वांगू मैनू ऐ अंकल तो सही। आ जरा पहलवान ए आ जा आ जा, पहलवान ओ मार ले ता जेड़ा तू मारदा हुन, किंग मार ले पहलवान। नी बाजी उठ नहीं है बाजी, इनकी लाहौर वाली खोए वाली मलाई वाली दी खरे ने लत तोड़ दित्ती दे। इस पहलवान ने उस्ताद अमानती दे खाड़े दे निके निके पहलवान भी अमान नाल देख लो पिंकी नु टा लिया। हेलो नाजरीन, हुण इस पहलवान दी मेरी भैन सलंटी दे नाल कुश्ती होण लगी जे, ए तुसी खवाजा सरा दी पहली कुश्ती है जिहड़ी खाड़े दे विच होण लगी जे, नहीं ते साडियां कुश्तियां हमेशा मौत दे खूह ते ही होईयां ने। नहीं बाजी टल जा, नहीं टल जा, इहदे नाल लड़ना ही मर जाणी है। बाजी किड्डा दा दरियाई घोल जिड्डा मूंह आ, एक मिंट उस्ताद दा कोल इजाजत लैण दे। उस्ताद जी इजाजत है साजी, दबाव ही करना बंदा मेरे तो 4 गुणा ज्यादा उतर जाणा। अल्लाह खैर उस्ताद जी, एदी कोलो जरा ध्यान ना इजाजत दिया करो, एहो जिहा बंदा इजाजत लैण लगा पैर चो जुत्ती भी ला के लै जांदा नी, आखले नी जेब चो पैसे भी कढ लैंदा नी। कहिंदा कुछ हो गया, मैं जिम्मेदार नहीं हैगा। लै इहनू कुछ हो गया मर जाणे, उहदे नाल कुश्ती करनी होगी, उहदे उत्ते लैंटर सुट्टना ही। कोई बंदा कला किहनू कलाण डिया? आह हाय चलो हुण मैं कर दवा, कोई बंदा कला फेर तेरा की रहेगा उतर जाणा। मर जाणे बंदा ही, एदी अखां कमजोर ने। आह हुण ही तैनू मेरी भैण दी ताकत दा अंदाजा हो जाएगा, मल्ले च जेहड़ा ताकत मरे ना ओ सारियां चीजां ते मेरी भैन नु खवाउंदा। तेरी भैन दे विच चलो
पत्थर कदमा ते खलो के दवा करिए मर जानी है लाड़ तू तो स्टेप कर लग पई है लाड़ की करन दई है ओदे नाल ओनु ओनु कोई ऐ करके उस्ताद मानती आला ऐ करके दा पा जिवें मुंडे ने मैनू नहीं सी छुट्टिया इन्हें भी सुट नहीं बाजी जेड़ा मैनू आदल पर साहब ने दस्या ना शीश नाग वाला दा ओ मारो के उतर जाने नु मैं ला शीश नाग वाला एडी तू नागन एक मिनट खलोई मैं खलोई देख लो देख लो मैं तेरा कख लो बाबा पा दे खलो नहीं पा दे खलो नहीं खलोई लिख ले लिख ले हां है लिख लो वे मार जा वे छड वे वे छड हां है तू कितना उतर जा रहा मर जाने तू कुश्ती कर तू तो मेरी भैन इंज चुके ले चल जिवें फिल्मा दे विच शबकत चीमा सैमा नू चुकदा बाकी तू गल दस दिया हां चुकन दा मजा बढ़ाउंदा ही तू कोल कर मर जाने चल वे चल अगे नाजरी ने तुसी कुश्ती वेख लो एक खवाजा सरा दा मुकाबला हो रहा है आए है एक मिनट वे खलोई वे खलोई वे खलोई वे बस ले सलेंटी मुबारक होवे तू थल्लो ही जित गई है नाज़रीन तुसी देखिया कि मेरी भैन सलेंटी बेतहाशा पहलवान दे थल्ले ही जित गई है ते नाज़रीन हुण मैं तुहानू इस खाड़े दे जिहड़े खलीफा ने आदल भट्ट साहब उन्हां नाल भी तुहाडी मुलाकात करवा दिया खाड़ा जी गौरमेंट जिहड़ी है सरप्रस्ती नहीं करदी अगर गौरमेंट सरप्रस्ती करे तो बड़े अच्छे पहलवान निकल सकदे ने असीं ते जिन्ने जोगे हैगे अपने पहलवानां दे नाल कोऑपरेट करने आ मगर गौरमेंट भी चाहिए है कि वह इन पहलवानों के पिछे हाथ रखन ताकि अच्छे पहलवान बन सकन ते मुल्क का नाम रोशन कर सकन बिल्कुल ठीक है नाजरीन आदल भट्ट साहब का कहना है कि गौरमेंट अगर सरप्रस्ती करे तो साढ़े इस इलाके चो इस खाड़े दे विचो ऐसे पहलवान निकल सकते हैं जेडे पूरी दुनिया दे विच पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं मैं क्या पहलवान जी तुसी आला हकाम नू की कहना चाहोगे जिस तरह गौरमेंट जी वो क्रिकेट के उत्ते इन्ना पैसा खर्च कर रही है गौरमेंट चाहिए कि वह कुछ हिस्सा भलवानी उत्ते भी खर्च करे ताकि भलवान जड़े ने जोड़े कोई माड़े घर के भलवान ने वह भी जरा ना अच्छी भलवानी करन ताकि मुल्क का नाँ रोशन करन ते बाहर जाके अच्छे भलवान भलवाना नाल जोर करके तो दसन के पाकिस्तान भी जरा ना और भी भलवानी बड़ी मौजूद है हाँ यानी कि वह दसन उ जाके कि पाकिस्तान के जोड़े पहलवान है वो दुनिया के किसी पहलवान तो घट नहीं नाजरीन तुम आदल भट्ट साहब दल् सुनिया मैं क्या आदल भट्ट साहब यह जी तुम क्या कि गौरमेंट जिमें क्रिकेट के उत्ते पैसा खर्च कर रही है तो तुम की चाहते हो कि भलवानी के गौरमेंट हूँ T20 शुरू करा दे या T10 शुरू कर दे कि भाई 10 पहलवान इधरों आन 10 इधरों निकलन तो दाड़ दाड़ एक दूसरे सुटन तो योग नहीं बाजी मैं तो कहना बहुत अच्छी गल है साड़ी हुकूमत को चाहिए कि साढ़े मुल्क का नाम रोशन करने वाले ने माशाला पहलवान जवान तो इन्होंने वास्ते कोई ना कुछ होना चाहिए बाजी नाजरीन ये पंजाबी कल्चर है पहलवानी ये पंजाब का कह लो कि एक खेड है पहलवानी तो तुसी वेख्या कि पहलवान किवें अपनी मदद दे आप तहत अपनी इस गेम नू इस पहलवानी नू जारी उन्होंने रखिया होया तो आला हकाम जरा इन्हां पहलवानों के बारे च भी सोचे तो नाजरीन अज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है तुसी पिंकी लाहौर वाली खोए वाली मलाई वाली नू इजाजत दियो इंशाल्लाह मुलाकात होएगी अगले एपीसोड के विच खुदा हाफिज़